प्यारा गौवा हमार खिले, फुलवा हमार सारी दुनिया हमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार। ई भुइया हमार प्यारा गौवा हमार खिले, फुलवा हमार सारी दुनिया हमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार। बचपन यही पर खेला, लागा पग पग सुधियों का मेला, नहीं ऐसन भोर कहूं देखा, नहीं ऐसन गोधूली बेला। हो अमराई की छैया सावन के झूले, कजरी मल्हारे हम नहीं भूले, नदिया हमार ई खेतवा हमार, ई नदिया हमारी खेतवा हमार खिले, फुलवा हमार सारी दुनिया हमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार, हरी भरी धरती के हम हैं लिख दी के हो गे नाम जवानी सारे लोग हमार, सबसे नाता हमार सारे लोग हमार, सबसे नाता हमार खिले, फुलवा हमार सारी दुनिया हमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार। ई भुइया हमार प्यारा गौवा हमार खिले, फुलवा हमार सारी दुनिया हमार, हरी भरी धरती के हम हैं राजकुमार। गांव जाए क्या? केकरे घर? ठाकुर बंटेश्वर सिंह के घर। ठाकुर बंटेश्वर के घर? हाँ, हम उनकर बेटा है, हमार नाम हो किशन सिंह, शहर में पढ़ाई करी ला, बहुत दिन बाद गांव वापस आवत। तो तू किशन है? हाँ। हमके नहीं पहचाना? नहीं।
राधा को कैसे पहचान बा? सहरी बाबू जो हो गए हो। अरे राधा, तू इतनी बड़ी हो गई लू। अरे तुह तो बचपन में गोद में उठा उतरा है एकदम ऐसे। अरे अरे, अरे, अरे ये काम करो, तो उतारो, तो देख लेगा तो उतारो ना, उतारो। अब समझ गए लू कि हम आयु किसे नहीं जो तो हम बचपन में उठा रहा अब है भी। मान गई बाबा, मान गई। चला बैग बा उठाओ और घर चला। ए तू बैग तो उठावा। चला मोर राधा। राधा हम तो यकीन नहीं आओ थे कि तुम्हारे तो संगे चलत हो। एक बार बताए का तू बड़ी होके इतनी खूबसूरत निकल भू हम सोच ले नहीं रहे। हम तो बचपन में तो बंदरिया बुलात रहे याद है कि नहीं? हाँ, अब तो सहरी बाबू हो गए हो। बाऊजी देखा तो कौन आए बा? अरे ये तो हमार ठाकुर किशन कुमार जी हैं। आवा बेटा। पाल लगी बाऊजी। खुश रहा खुश रहा। झुक झुक जिया। मोटू नहीं मिला था? अरे बाप रे। नहीं। कितना भारी बा। अरे अरे भुला गए बा। सॉरी सॉरी। कितना भारी बा। मोटू तोहे नहीं मिला ना? ये राधा तोहे कहाँ मिली? अब वो कहाँ ना बाऊजी? आवत रहे बोझा काफी भारी रहल दिखा गई नी राधा। हम बोले राधा यार आवा थमा दिए बक्सा और बाऊजी चला। हम तोहरा के सामान ढोने वाला कूली लागत हो। अरे का होगी अभी तो के बताई। अरे राधा 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 कहाँ जा तो? ये दोनों का बचपन भाई तलक नहीं गए। मोटू किशन नहीं आए? अरे नहीं, हम कुल ससुरी ट्रेन खोज गई उ तो हमके कहीं नजरे ना आई न। अच्छा ही बताओ। हाँ? सच सच बोला। हाँ? तू स्टेशन गए रहे कि नहीं? अरे तका हम कौनो पुलिस स्टेशन गए रहे का भाई? अरे किशन बाबू, अरे बचवा तू। अरे तू कौन चीज पर चढ़ के आईला भाई? जी पेपर। हाँ तेरी की हम वहाँ खोजत रहनी हाँ, पता नहीं कौन चीज पर चढ़ के चली ना। अच्छा बाबूजी हम चलत हो। हाँ बेटा जा। किशन तू भीतर चला। मोटू हाँ। सब सामान उमान लेके अंदर आवा। झूठ बोले थे। हम उठाई हम उठाई। नहीं तो हम उठाई हम उठाई लेके आवा अंदर। हम ही उठाई भाई। अरे अरे बाबू बहुत भारी बारे। राधा ओ राधा रुक तो। का नानी? कहाँ मर गई थी रे तू? नानी वो का करत है? तू भुलाए गई अब ही ठाकुर के घर दूध पहुँचावे का है? ना भूली हूँ नानी, वो किशन है ना, वो शहर से पढ़ के आ गई, रास्ते में मिल गए, सामान ज्यादा था, ये बदे हम सामान पहुँचाने बदे उनके घर चली गई। किशन आए गए? हाँ नानी, मगर वो हमका कूली कहत रहल, सामान ढोने वाला कूली। हम तो बिना मारे छोड़ते ही नहीं। तुम दोनों इतने बड़े हो गए लेकिन अब तक लड़क पर ना ही गयल। तू तो बस हमें की दोषी ठहराई बू ना। ना बेटी ना रे, तू तो हमार जान है। जा दूध पहुँचा के आवा, अब ही खेत में खाना भी पहुँचावे के है। बस नानी ई गई और ई आई।
राधा। अरे राधा रानी, अरे कब वो हमारी उड़िया भी ताकता हो? अरे कब से खड़ा ही रास्ता में। पहले जाके अपनी सूरत आईने में देख। अरे अब तो तोहरी अखिया में अपन सूरत देखब हो। चल भाग। आए हाय, आए हो दादा का लचक हो, तोरी यही चाल पे तो फिदा है हम। फड़फड़ाइला राधा रानी, जौने दिने हमरे जाल में फसबू ना तो हर कुल फड़फड़ाइल निकाल देब। आए हो दादा। अरे राधा बिटिया, अरे आज तो मोटू बाहर गए बाटन। अच्छा ठीक बा किशन। हाँ बाऊजी। राधा आई बा, दूध ले लो भाई। अच्छा बाऊजी। ओहो राधा रानी, दूध लिया लो। हाँ। अच्छा तो आवा। बर्तन लिया हुआ थे। ला राधा रानी, दा अपन पानी वाला दूध। नाना मुआ किशन, हम तो तोहरे खातिर सच्चा दूध लाई हूँ। सच राधा? हाँ खुद ही देख लो। अरे वाह राधा, एकदम गाढ़ा। एक बार बताओ कि तू हमारा इतना ख्याल काहे रखलो? का करे किशन, ये तो हमार मजबूरी है। एक गांव में तू ही सबसे मुझे अच्छा लागत हो। अच्छा राधा, तुम्हार कसम खा के बोला कि तू जोन बोलू सच्चा। कसम ना खाई जा, चला चला दूध ला, राधा के पास फालतू का टाइम ना हो। बक बक करत रहते, बड़ बड़ी कहेंगे। तू हमरा से दूध गिराई, पैसा दामा नहीं तो नानी हमरा के मारे। ए हम तो आर दूध नहीं गिरा, तो आर दूध खुद गिर गया। ठीक है, हम पैसा नहीं दे, चल भाग यहाँ से। नहीं जी, पैसा तो तोके दे के पड़ी, हम छोड़ने वाली नहीं। पैसा तो हमार। हम कह दिए ना हम दूध नहीं गिराए। पैसा तो हमार, हम तो पैसा लेके रही, चाय का खातिर हमार जान चली जाए। अरे तो दे देना जान, पैसा तो नहीं मिली रानी। जान हम तोहरा के पहले ही दे दिए, अब पैसा तो हमार। नहीं देव। नहीं देव, नहीं देव। अच्छा, तो लड़बू रानी, आजा, लड़ा, 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 लड़बू हमसे, मार के मुकाबला। ये सब कहो रहा है? अरे भाई, ये सब कहो रहा है? हमार कपाट फोड़ रहा है? ये सब कहो रहा है? बाऊजी, ये देखो हमारे सब दूध गिराए दे, पैसा नहीं देता हमार। अरे दूध गिराए तो होकर पैसा देना। अरे बाऊजी, हम नहीं गिराए कर दूध, खुदा दूध गिरावा तो पगली कहेंगे और पैसा मांगा तो हम नहीं दे पैसा। भाग राधा, लेकिन ये बतावा तुम्हारा दूध गिरा कहाँ? बा कहाँ दूध हुआ? मस्ती नहीं, जब देखा ही दोनों जना लड़त रहते हैं। इला प्रसाद, इला प्रसाद भगवान के पूजा का प्रसाद है इला। और सुना, उकर पैसा दे दिया। मस्ती नहीं, हाँ बिल्कुल मस्ती नहीं, उकर पैसा दे दिया। जाओ प्रभु, पैसा ले बोला, पैसा ला। पैसा तो नहीं देवरानी तो हाँ। आप बोला पैसा तो तोहरे के देबे के पड़ी। अरे जा जा, बाबूजी के तो हम पटा ले हमार बाबू। अरे तो तू लोग अभी तक लड़त बाटे? अरे बाबूजी के समझाओ ना, पैसा तो के नहीं मिले के भागे बोला भागा। ओका पैसा दे, ओका नानी ओके मारी। बाबूजी पैसा हम नहीं दे। बाबूजी बोला हम कहे थे ना ओका पैसा दे ना, पैसा ओका ले रे 10 20। बाबूजी से ठीक आएगे। किशन खाना ठंडा होता, चला जल्दी से खाना खाना। का भेल? खेत में खाना पहुंचाई जाए के हो।
खेत में खाना पहुंचाए जाते हैं। चला बेटा। ला नानी, जल्दी से खाना दो। अरे तू कहाँ इतनी देर कर दी? ला, ये सुना, कहा ना कि हम आंधी की तरह गई और तूफान की तरह वापस आई, और तू कहत रही कि हम के आवे में देरी हो गई। जा अंदर वा से रोटियां ले ले। हाँ नानी। जाते हैं नानी। अरे अचरवा तो लेके जा। आ हम दे थाई। ई का खाली बर्तन खियाई बू? नानी हम तो रोटी रखे रहे। चुप रह, तू भुलाए गई। चल हम दे थे, चला। देखा राधा, रोटियां लेके सीधे खेतन में चली जाना। हाँ नानी, हम ना भूलब। जा। अरे हाँ? रोटियां तो यहीं भुलाई गई। का जाने एकरा के का हो गई बा, सब काम उल्टा पुल्टा करत हो। राधा रानी, हम बहुत जोर का भूख लगल ला, हमारे पास बैठ के हमारे मन का और हमारे पेट का दोनों का भूख मिटा देना। नहीं। अच्छा ठीक हो, नहीं किया बा, हम ऐसे भूखे रह जा, जा। भूख लगल है? हाँ। अच्छा, चलो उहार बैठ के खाई। चला, आज हम तोहरा के अपने हाथ से खाना किया। अच्छा, तोरे हाथ से खाए को जोन मजा हो ना राधा रानी, वो मजा अपने हाथ से नहीं हो। क्या होने, बहुत जोर से भूख लगल हो। अमृत हो, अमृत। अच्छा लगा था। और ना ना। का भाई? हमार उंगली काट के पूछे तो का भाई? अरे मूली राधा, हम समझो मूली हो। अच्छा अच्छा अच्छा, माफी दे दा। अच्छा अब ठीक से खा। हम तोरे के ऐसे ना छोड़ब, कान पकड़ माफी मांग। चल कानो पकड़ते ही मुर्गाओ बनते ही माफी मांगते ही। अब क्या होना, बहुत जोर से भूख लगा लग। क्या होना क्या होना। अच्छा ठीक हो, खाओ जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत मजा। और का भेल? हम आज पकड़ी जाए, ना जाने आज हमका का हो गई लो। सुबह से हम सब काम उल्टा कर रहे थे। नानी हमका मारिया। ए राधा रानी, का तो हाँ प्यार हो गया? प्यार? हाँ प्यार। ए किशन, तू कब हो कोनो लड़की के साथ ऐसे बैठे हो?
हाँ बैठी ला। कैसे? ऐसे। अच्छा ता तू बतियावत रहे ओकरे साथ? हाँ जैसे तो से बतियाईला वैसे उन लोगन से भी बतियाईला। अच्छा का बतियावत रहे? अच्छा जाओ ओही के साथ बैठो, हम जात हैं। अरे सुना था, खुदा सवाल कर दू खुदा नाराज होके जाता हूँ। हम नहीं सुनम। का है? तू लड़के धोखेबाज मक्कार, जिधर देखी लड़की वही चिपक गए, वही डाइन के साथ चिपक कर जाए के बैठो, हम जात हैं। अरे सुनाता सही राधा रानी, अपना सुनाइबू के हमरो सुनबू? हम नहीं सुना पूछो। ए सुना ना, हम अपनी राधा रानी के सिवा न केहू और लड़की के साथ न कबो ऐसे बैठली, न बात करेली और न तो चिपकली। सच? सच। हमार कसम? तोहार कसम। अच्छा तो पहले कहीं नहीं बताए, तोहरा के परेशान किए ना। अच्छा हम जाते हैं, देर हो गई। कहाँ? अरे ए राधा, अरे राधा, अरे कहाँ? ए सुना तो सही, जिंदगी बनाई द हो, एगो चुम्मा देके हमरी, ओ हमरी जिंदगी बनाई द हो।
बदनामी होई। अरे रानी प्यार करे वाले केहू से डरा ना का काहे का बदनामी है। मगर हम तो डरत है ना, हमार बदनामी होई किशन। किशन छोड़ा ना। एक शर्त पर छोड़ा। का शर्त? पहले तो हमें चुम्मा दे दे तब उतारा। चुम्मा? अच्छा पहले नीचे उतारा हमरा की। या। अब हमार एक शर्त हो। तोहार? तोहार कौन सी शर्त? तू हमका बगीचा में मिला तब हम तोहरा के चुम्मा दे। मंजूर हो? अच्छा ला रानी मंजूर हो। राधा रानी तू हमार हो बस, हमरे सिवा क्यों के ना हो सकतो। तो के जितना सतावा की रहे सता ले लो। चढ़ गए क्या उस्ताद? नहीं रे हमरे ऊपर शराब का नशा ना चढ़ सकत। हमरे दिमाग में तो राधा के बदला का जुनून है। देख ले ना काल कैसे किसनवा के गोद में चाकत रही ससुरी। उस्ताद अब हमरा के सारे बात समझ में आ गई। का एक किसनवा का राधा से जरूर कोनो चक्कर है ना? ना ऐसा ना। हमार नाम दिनेश सिंह है और एक बार जौन मछरी हमरे जाल में फंस जाले ना वो कितनो तड़पत रहे, हमरे जाल से ना निकल सकत, हमरे जाल से कब्बो ना निकल सकत। ई बात बराबर कहत हो उस्ताद। अरे फोकट में इतना गुस्सा करत हो उस्ताद, अरे कुछ जल्दी से सोचा नहीं तो चिरई किसनवा के साथ फुर्र हो जाई। साले कब्बो ना हो सकत। राधा सिर्फ हमारा और हमरा रही, क्यों दूसरे के ना हो सकत। नहीं कब्बो भैल हो और ना कब्बो होई। साला हट। राधा 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 रानी तू सिर्फ हमार हो और क्यों के ना हो सकतू। किसनवा साले तेरी दास साले। राधा ए राधा। अरे राधा रानी मोर रानी रुका रुका। हाँ चला बोला हमार वादा का काब है वादा। वो कहा है कि हमरा के शरम लागत बा। शरम अरम नहीं चली। वादा मतलब वादा और वादा मतलब चुम्मा। ठीक बा तू हमरा के नदी किनारे मिलो तब हम ना शर्माई। सच? जा नदिया के तीरे किशन और राधा का संगम। जेपात दादा। अरे हमार तो इतना हिम्मत है कि तो के गोद में उठा के ले जाए और के उमार कुछ ना कह पाई कुछ ना कह पाई। अरे तू तो जिंदा रहबे तब ना। अरे तो के मारी हमके है? अरे ककरी में हिम्मत है कि दिनेश के हाथ लगाव है के मारी। बाहर हिम्मत कैसे भइल राधा के छुए का? अब तुहार हिम्मत कैसे पड़ल दिनेश के छुए का? कैसे हिम्मत पड़ल? और मार किसन छोड़ा मत।
भागे छुपा हम सब मार दे तो के हम का छुए तू अरे कहां गई रे रमेशवा महेशवा आवत है उस्ताद आवत है पर लगाए दिए अरे ये कह रहा था तोहरे आंख में आंसू अरे हम तो तोहरे खातिर पूरी दुनिया से लड़े के तैयार बानी इतना चाह तो हमरा के एक इसन कहीं हमरा मिले ना होई तो धत पगली ऐसे नहीं बोलेगे हमार मन कहा था कि किशन और राधा का मिलन जरूर होई दुनिया का कोई ताकत हम लोगों के जुदा नहीं कर सकेला राधा किशन जब से हम सुने कि तू जात हो तब से हमरा के बहुत डर लागत हो किशन हमार प्यार के बीच ये अमीरी गरीबी की कोनो दीवार तो ना आ जाई ना हमार संगे जल्दी शादी कर ला हम तोरे बिना ना रह सके ए मोर पगली काहे ऐसे सोचत हो हां सुना राधा देखा ये हमार पढ़ाई का आखिरी साल है तो हम मत जायदा जल्दी से हम पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ा हो जा तब हम मत उसे कोई अलग नहीं कर सकला ओकर बाद हम तोसे शादी कर ले हम दोनों बहुत खुश रह जाए देखा आखिरी बार तो हम मत जायदा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे दे अब समय जाए में थोड़ी कोनो टाइम लगाला नहीं तू घबराए मत तोहर किशन जल्दी लौटी है राधा बहुत जल्दी हम लौटब राधा बेटा अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और पिछले साल की तरह अच्छा। इस साल भी अच्छे नंबर से पास हुआ ठीक और एक बात और बेटा रास्ते में संभार के जाइए चोरी चमारी के बहुत डर रहे थे भाई और एक बात और अपने तंदुरुस्ती के ध्यान दिया तंदुरुस्ती लाख नियामा था समय से दूध जरूर पिया बाबूजी आप तो ऐसे कहते हो जैसे हम कोनो दूध पीता बच्चा है बेटा किशन एक बात सुना लड़का कितना बड़ा हो जाए महतारी बाप के नजर में वो बच्चा ही रहता है हम सब समझ गए बाबूजी हम समय पर दूध पियो क्यों समय पर खाना खाया क्यों गलत दोस्ती नहीं करके उसे बात नहीं करके मोटू राम बुलावत है जा
पावे। अरे चल अरे माँ बहन तो है ही, लेकिन तू कहाँ भाऊ? एक तोहरे कमी बारानी। छोड़, छोड़ दे, छोड़ हमरा के। अरे बात ना, छोड़ ना। एक बार बात क्या बुझाए तो बात। तू चलेगू ना, तोहरे बदनामी होई। चल जन आ जाइए तो बड़ा मजा हो। जब देखा तब फटे पांच जैसे चलात रहते हैं। बचाओ, हमरा के बचाओ। कहाँ ही रहवा? हम कुछ ना करते हैं, ये तो हमके राधा बुलाऊनी है। अभी का अब देखा खुद ही चिल्लाती है। हाँ हम समझ गए, राधा तो है बुलाईने। दिनेश चुपचाप यहाँ से चला जा, और आज के बाद गांव में ऐसा ना होए के चाहिए, बुझला नहीं तो हम जान से मार दें। समझ गए ना? ना ना चल 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 साथ। राधा कब है बिटिया? हम जात रहे और वो तीन बदमाश छुप कर बैठे थे, अचानक हम पर टूट पड़े। अरे 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 तू हमके काहे ना मारती है? बेटिया राधा तू अकेले गांव में यहर उहर घुमा मत करा, और सुना तू जा अपन नानी से कह दे कि हम बुलाएं। ठीक बा चला चला नानी के हमारे सलाम कहिए। चला आओ। चला सुना है राधा बिटिया ने दिनेश के खेत में बुलाए रहे। तो का भेल है? अरे का भेल का? ठाकुर जी ने रंगे हाथ पकड़ लिया और का? अरे ऐसे तो हमारे गांव के ना कट जाई हो। हाँ कट जाई कट जाई बिल्कुल कट जाई ना और का? और का हाँ राम राम। राधा बिटिया कहत रही के आप हमें बुलाए रहे। हाँ हमें ही बुलाए हैं। कौनो काम बा? आपके तो याद हुई कि हम आपके जबान दे रहे कि राधा बिटिया के बैग की जिम्मेदारी हमार है। जी हमें लगा थे कि उस समय अबाई का वहा राधा बिटिया के बैग हो जाए के चाहिए। आज राधा बिटिया के ब्याह के ख्याल एकदम कैसे आएगल? बात ऐसा बाकी आज हम खेत से आवत रहे तो देखे कि गांव के कुछ बदमाश लड़का अपनी राधा बिटिया के साथ छेड़खानी करत रहे। वो तो समय पे हम पहुँच गए, वरना न जाने का हुई जात। हाय राम आज तो हम पहुँच गए, लेकिन कल के कुछ भी हो सकत। जवान लड़की है, हम सबके कुछ सोचे की चाहिए। पहले गांव में तरह तरह के बात हुई रहल बा, अब राधा बिटिया के ब्याह ही एकमात्र एकर उपाय बा। एक खातिर हम तोरा के बुलाए हैं। कहत आप ठीके हैं, लेकिन आजकल बहुत तंगी बा, शादी ब्याह मा बहुत खर्चा हुई। अरे हमारे लिए जैसे किशन वैसे राधा, खर्चा की चिंता तू जिन करा। ठीक बा हम चलत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काहे बदे बुलाए रहन बाबू साहब? का कहत रहन? अरे बाबू साहब तो बहुत भला इंसान है, कहत रहे के आती लगन मा राधा की शादी कर दें। राधा की बहुत बदनामी होतवा, हम हूँ मान लिहिन। बाबू साहब सारा खर्चा अपने ऊपर लिहिन, कहत रहन के हमरा लिए जैसन किसन वैसन राधा। राधा की शादी बड़ी धूमधाम से होए के चाहिए। देखा आज हम बहुत खुश बाटी, तो का मालूम बा काहे? अरे आज हमार जा हम ना बताई, लेकिन कौनो बात नहीं, हम तो के सब बताई। अरे हमार बिया तय हुई गवा, उही से जिक्रा के साथे हम चाहत रहे, उही से आज हम बहुत खुश हैं। अब जोने दिन बिया हुई ना, वो दिन हम तोरा के पेट भर के गेहूं खिलाई। अच्छा हम चलत हैं, ठीक है? पाए लागू पंडित जी। खुश रहो जजमान, समाचार बड़ा शुभ समाचार, बढ़िया है। बिटिया की शादी तय हो गई है, घर बार बहुत बढ़िया है, बिटिया बड़े खुशहाल रूप से रहेगी, गांव देश में मान सम्मान भी है, बहुत बढ़िया शादी है। राधा बिटिया तनी यहाँ आवा। हमार राधा बिटिया तो बहुत खुश नसीब बा के ऐसन बर मिलल,
पंडित जी कहत रहें कि लड़का शहर में बहुत बड़ा आदमी बा। नानी ये का कहत हो? तू तो किशन के साथ हमरी शादी की बात करत रहू, हम तो किशन के साथ शादी कर भी दूसरे से नहीं। बिटिया पहले काहे ना बताऊ, अब हूँ कुछ नहीं बिगड़ल बा, शादी माँ अब ही बहुत समय बा, ये बीच किशन आए जाई ता तो हार शादी वही से कही देव या वो खुद ही कर ले है। आज समाज के खातिर सबकर मुंह बंद करे के खातिर ये जरूरी बा, बदनामी से बचे के खातिर। तू फिकर ना करा, तू जैसन कहबू वैसन करब। यदि हमारी शादी होई तो किशन से ही होई, किशन आएगा तब हमारी शादी होई, नहीं तो हम शादी केहू से ना करबे। अरे बिटिया तू तनिको चिंता जिन करा, तोहरी मर्जी के खिलाफ कुछ ना होई, जा तू आपन काम करा। किशन सिर्फ राधा के लिए बनल हो, वो राधा के लिए सारी दुनिया से लड़ सकत है, वो राधा के ना छोड़ी, राधा का प्यार सच्चा हो, वो आई किशन जरूर आई। यदि समय पर किशन ना आए तो हम बदनाम हो जाब, किशन झूठा हो, समय देकर समय पर ना आया वो झूठा हो, झूठा हो।
करी कित जाए तोरे बिना दिन कैसे बिताए तोरे बिना लौट के निर्मोही सजन भुला दे के बचन दिन कैसे बिताए तोरे बिना कहूँ मरी ही न जा राधा बिटिया जीन रोआ अब उदास भाई से कोनो फायदा नहीं अब तू जैसन कहा हम वैसन करब बिटिया हम गरीबन के पास कुछ ना हो बस इज्जत हो अब हमारी इज्जत तोहरे हाथ में बा वादा के मुताबिक किसन ना ही आयन वो तो झूठा निकरेन हम कहत रहे कि लगन से पहले अगर वो आ जाए तो हम तो हर शादी उनसे कह दे बिटिया अब हमरी इज्जत तोहरे हाथ में बा बिटिया शादी ब्याह जीवन मरण सब संजोग ऊपर वाला बनाए के भेजत है ईमा हमार कौनो जोर नहीं अब सब कुछ तोरे हाथ में बा बिटिया इन सब भाग्य की लेखनी हो तू जैसन कहबू वैसन हम करब नानी जैसन आप उचित समझे वैसन ही करे हम आपका इज्जत बर्बाद ना होए दे पहले आप है नानी बाद में सब हम आपके बाद के सम्मान करते हुए भाग्य के सामने अपन सर झुकाए दे ली आप शादी कर दो हमारे के दुल्हनिया बनाई भो शान से घर ले जाई भो तोहके दुल्हनिया बनाई भो शान से घर ले जाई भो अंगना में तोरे जा दिन बन के दुल्हनिया आई बे ई प्रीत की कसम हम सातों बचन निभाई बे सातों बचन के छोड़ अब ही एक तो निभाई दे हमें तो उसे कुछ कहे के हो बेझिझक कहो कोनो पर्दा के कोनो जरूरत नहीं पति पत्नी के बीच कोनो पर्दा का कोनो जरूरत ना होए के चाहिए ना ना ऐसे ना सोचा आप गलत ना सोचे शादी से पहले हमार गांव के एक लड़के से प्यार रहल हमार दोनों के शादी भी होए वाली रही हम बस उससे एक बार मिले चाहिए था ओकरे बाद जोन फैसला आप कर भी वो हमें मंजूर बा सात फेरे के बाद हम और हमार शरीर तो हर धरोहर है और हमरे जीवन में किशन के साथ जोन बात घटी है ओके तो होके बताए जरूरी बा अब आप जोन सोचे हुए करे राधा इस सच्चाई सुनने के बाद हमें तुम पे गर्व है हम दोनों एक दोस्त की तरह रहे
तू हमरे यहाँ किसी की अमानत की तरह रहे, पर तू कोनो चिंता ना कर, दुनिया वालन की नजर में हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे। तू का करत हुआ? हम कह रहे ना, तू हमारे पास अमानत हो, तू वहां सो, हम नीचे सोवा था। हमार भाई साहब इका राजा हरिश्चंद्र बने हैं। ओ हमार भावच को देखो, मैं तुलसी तोहार आंगन की। का बात है भैये, याद ही अलग अलग झुलनी का रंग साचा हमार बिया, झुलनी का रंग साचा। काबर में सुवा? हाँ उस्ताद। अरे तोर भौजी ना दिखाई बहुत दिन से बे। कौन वाली उस्ताद? का मतलब है? अरे मतलब फुलवा गुलाबिया चंपा चमेलिया कौन वाली? अरे बस बस बस, अबे पूरे गांव वाली के नाम ले लेबे का? अबे असली वाली के नाम तो लेबे नहीं किए तू। अच्छा 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 अच्छा, मतलब राधा रानी। उस्ताद उस्ताद गजब हो गई। का भाई किसनो मरियल का? अरे नहीं उस्ताद, पूरा राधा। राधा का? राधा के ब्याह हो गई। अबे साले होश में तो हुए? अरे कौन है मतारी के लाल में इतना हिम्मत है कि राधा के हमसे छीन सके? अरे खून के नदी बहा दे हम साला। किसनवा राधा हमार हा और हमरे रही, साली केहू के ना हो सका तू। किसन बाबू अब तोहार खैर नहीं। उस्ताद किसनवा से नहीं, ओकर ब्याह शहर में कौन से हो गई? आई हो दादा तई खेला बात जौनपुरी है। राधा रानी न दिनेश का भाईनी नऊ ससुरे किसनवा का। अरे रमेशवा। हाँ उस्ताद। अरे चिड़िया तो कौनो तीसरे के साथे फुर्र हो गई रे। अरे किसन बाबू। अरे भौजी भौजी आओ ना तनिक, भाइये ना भौजी। आप ही का तो इंतजार था हमें, हमने सब कुछ देख लिया है भाभी, सब कुछ। हमें तो अच्छी तरह से मालूम है कि आप और भैया एक साथ नहीं सोते लेकिन तुम तनिक भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ये सब कहे खाते तोरे हिम्मत कैसे पड़ी? अरे काहे नखरा कर रही हो छमिया, मैं हूं ना। अच्छा नहीं किया भौजी, ये थप्पड़ में याद रहेगा, बहुत भारी पड़ेगा। ये सब का होता? माँ माँ का बताई माँ, भौजी हमार रुमाई और हमसे कहने लगी। हमें तो पहले ही शक रहा, बहू तू है ये सब ना करे के चाही। माजी ये झूठ बोला थे, हमार कोनो गलती ना बा माजी, ये झूठा बा, हम निर्दोष बानी माजी। नहीं माँ, तो हर कसम माँ आप झूठा नहीं माँ, तो हर कसम हम झूठ बोले तो तू मर जा माँ। जब तुम निर्दोष हो तब मुरारी के कमरे में का करे गई रही हो? बस माँ बस, ये सब बहुत होएगा वा, अब जो भी कहेंगे हम सब सच मान लेंगे का? राधा में कोनो दोष नहीं बा, ये बिल्कुल निर्दोष है, सुना राधा बिल्कुल निर्दोष बा। श्याम श्याम श्याम
हाउ जी, इस चांद को ग्रहण तो हमें लगाऊंगा। आज की तारीख, आज का दिन और ये थप्पड़ याद रखना। बाय भौजी। हाँ मोटू बोल। सरकार वो कुतिया बियानी है, भैंसिया गाभिन हो गई, एकर खबर आपके मिल गिल का जो बहुत खुश होता है। मोटू राम बियान किशन अपन पढ़ाई पूरी कई के घरे आवत है। साचू हाँ, यही खातिर हम बहुत खुश हैं। अरे वाह वाह, बिहान तो है उन्हें स्टेशन लेवे के जाए के बाद, पिछली बार के नहीं भूल मत चाहिए। अरे नहीं, हम अब बहिने जात हैं। अरे अब ये कहाँ जात है? किशन के लेवे। अरे महाराज जो काल आई है। काल? अरे काल करे जो आज करे, आज करे सो, अब इतनी जल्दी क्या करे, अभी तो जीना बरसो। बोल ऐश्वर्या राय की जय, बोल करीना कपूर की जय। मोटू राम तो है कहूं ना सुधार सका, तू कब न सुधर में। अब क्या होगा मां, अब क्या होगा? बाबूजी की वसीयत के मुताबिक अब सारी जायदाद की मालकिन तो राधा भौजी हो गई। तो तू का सोचे है? इतनी कच्ची गोली नहीं खेला है मां। जिस जायदाद पर हम नाग बनकर सारा उम्र उसे संभाल कर बैठा है, हम किसी को इतना आसानी से लेने नहीं दूंगा। मां या तो राधा भौजी उस पेपर पर साइन करेगी, या फिर हम उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। जरा सोच समझ के कदम उठाना बेटा, कौनो जोखिम के गुंजाइश ना रह जाए। तू फिक्र ना कर मां, तू फिक्र ना कर। मुरारी नाम है मेरा, मुरारी। ये तोहरे सौतेली भाई और माई दोनों मिलके हमें बदनाम करे के चाही, और तो और हमरे के मारे के इंतजाम भी करल रहल हो, ताकि वो दोनों मिलके तोहार धन दौलत जायदाद सब के सब हड़प ले। का करे राधा, हमार किस्मत ही ऐसा है। बचपन में माँ बाप का साया उठी गवा, सोचा बड़े भाई पर जीवन साथी आए पर थोड़ी दिलासा हुई, पर किस्मत के सामने भला केकर चली। खैर तू इसे पास छोड़, हम तुहार हिफाजत खातिर कुछ भी करब, हर कीमत पर तुहार हिफाजत करब, तू कोनो चिंता मत कर। का करी, एक तरफ किशन का प्यार बा, दूसरी तरफ फर्ज, हम सफर जो पति होते हुए भी दोस्त बनल बा, हमें का करे के चाही। जो भी हो पहले फर्ज बाद में सब, अब हम शाम का दामन कब्बो न छोड़ब। राधा राधा, तो हमें का करे का चाहिए? तू हमार माइके जा, वहाँ वहाँ ठाकुर बंटेश्वर सिंह मिली हाँ, वो बहुत बड़ा इंसान हुआ, बहुत रहम दिल, वो हमार मदद जरूर करी है। हाँ तू ठीक कहता राधा, हम बंटेश्वर से मिले खातिर जाइब, जरूर जाइब, तू चिंता ना कर। श्याम, 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 श्याम उठा, माजी, श्याम, माजी, श्याम, 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 श्याम।
का हाल बना रखा है? अरे काहे को इतना रो रही हो, इतना दुख काहे को मना रही हो? अब जो होना था वो तो हो गया ना, भाई साहब चले गए तो का हुआ? मैं हूं ना तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए, हम तुम्हारा सेवक हाजिर हूँ। शर्म नहीं आवत हो, ये बेरी तू ऐसी बात करत हो। शर्म की क्या बात है, हम तो पैदा ही जनाना वार्ड में हुआ हूँ। आओ, हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। छोड़ मुड़ारी, छोड़ छोड़। तू कैसे नहीं मानेगी? याद है तुझे, याद है तुझे, तूने मुझे इस काल का थप्पड़ मारा था। आज तुझे बताऊंगा कि थप्पड़ क्या होता। मुरारी, ये सब का होता? माँ का बताई माँ, इतनी को माँ का हाल बना रखे पावेसे, माँ इस रूम माँ ही ना माँ, तो ये हमको लपड़ गई ना माँ। बहू, ये हम का सुना था ही, ये का हो? नहीं माँ जी, हम कुछ ना कहनी, ये झूठ बोला था। देखो माँ कैसा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि झूठ बोल रहा है। सच बात तो ये माँ, जब हम इनको कहें कि माँ आ जाएगी तो कहा होगा, तो कहे कि माँ को भी रास्ते से हटा देंगे। तू हमें रास्ते से हटाई, अरे एक तो आते ही खा गई और दूसरे पे लाश लगा बताई। नहीं माँ जी, हम पर यकीन कर, हम कुछ नहीं कर। तो हर का यकीन करी, हमारे बेटा को आते ही खा गई लो। चल निकल निकल यहां से। मां स्टॉप इट मां, तू तो बहुत सीरियस है मां। भगवान भी पहली गलती माफ कर देते हैं, फिर तो तुम देवी है ना माँ। और देख, अगर भौजी घर के बाहर चली जाएगी ना, तो हमारे घर की बहुत बदनाम भी होगी, है ना माँ। और फिर मेरी सेवा के लिए भी तो कुछ चाहिए ना माँ, दस्तखत भी तो ले रहे हैं ना माँ। भौजी, भौजी, आइंदा अगर ऐसा गलती करियो तो हमसे बुरा कोई ना होई। माँ तू जा, तू बोल ना, तेरा गुस्सा बहुत खराब है। माँ जा माँ। क्या कहा था हमने, क्या कहा था छमिया, कि थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। एक बात याद रखना, जब भी सेवा की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आ जाना भौजी, जरूर आ जाना। यदि यहाँ रहे तो ये भेड़िया हमें नोच नोच के खा जाए। मुरारी की माँ हमसे दस्तखत लेती, हमें मार डाली। ये दोनों दरिंदन के बीच रहे बाप ठीक नहीं, हमें यहाँ बचावे खातिर केहू नहीं बा। आज रात के चुपके से हम अपने मायके चली जाओ। अयो दादा, ए रमेशवा, आज बिहाने सूरज कौन दिशा से निकल रहे है? अरे सरकार, सूरज का तो पता ना हो, पर चांद तोरे सामने खड़ा हो। दिनेश, हमारा रास्ता छोड़ दा, हम घर जाइबे। अरे तो हम रहूं घर में, इत्थे कोठरी खाली है, चला वहीं पहुंचा दी तो के हैं। हम तो और हाथ जोड़ा थे, हमें घर जाइदा, भगवान के खातिर हमें घर जाइदा। अरे भाई, इतनी अनहरिया रात में कहाँ जाइबू? अरे हा? रास्ता में कौनो बदमाश पकड़ ली तो। अरे लोग कहिए कि देखा, दिनेश अपने राधा का रक्षा ना के बोल। हमार रक्षा खातिर भगवान होवन, तू लोगन आपन रक्षा करा। कौन भगवान? अरे किसान भगवान। हमार किशन आई गवा पा लगी भौजी। आवा बेटा, खुश रहा। तू जब तक शहर में रहा, हमें तुहार चिंता लगी रही। भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि तू शहर से पढ़ के आएगा वा बेटा। अब तो हम भगवान से यही मनाए कि तू खूब तरक्की करे बेटा। बाबूजी, आपके आशीर्वाद से हम एकदम ठीक ठाक हुए, देखा ना तार किशन एकदम। लेकिन बेटा, हम तुझसे कितनी बार कह रहे हैं कि तू बुलाए नहीं बाबूजी, समय पर दूध पिए क्या, समय पर खाना खाए क्या, गला दोस्ती करे। हमारे कहे कई मतलब है भैया, कि ढेर चिंता हमके मत दिहल करो। तोरा चिंता में देखा हम सूख के कांटा हो गेल बानी। तू जा सामान अंदर करा। हाँ बेटा,
तू जा जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, इतनी दूर से आया है थका मांदा होगा, फिर हम सब बैठ के आराम से बतियावल जाए। अच्छा बाबूजी, का बतियाई बा? चुप कर कर कर, अरे समनवा रख, समनवा रख ना, हर बेरिया हम ही समनवा उठाई, चल रख। बेटा किशन, अब तो तुहार पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, अभी बतावा कि आगे तुहार कब विचार बा? बाबूजी हम सोचत रहे कि काहे ना अपने ही गांव में एक दवाखाना खोल लें, वैसे भी आप जानत हुआ कि अपने गांव में एको अस्पताल नहीं। अरे बेटा यहाँ गांव में रह के का करबो, यहाँ पैसा कोड़ी कुछ नहीं बा, हम चाहते हैं तू शहर में रह के अच्छा पैसा कमावा, अच्छा नाम कमा, अच्छी तरह से अपन जीवन बसर करा। पानी तो ना मिले लू है ना? क्या बात है बाबूजी, आज राधा दूध लेके नहीं आई, उनका नानी है ना? अरे बेटा राधा की तो शादी हुई गई, वो अपन ससुराल चल गई, बाकी गांव देश में सब ठीक ठाक बा। बाबूजी होकर ब्याह होगल? हाँ। वो लगन के हमारे बारे में कुछ बतेले? मतलब राधा का ब्याह होगल? किशन अरे कहाँ खोए गए? राधा के बारे में अगर ज्यादा कोई जानकारी चाहे तो जाए के होकर नानी से पूछ ला, वो सब बता दे। हाँ चाची, ये सब कैसे हो गए? राधा का ब्याह हो गया, कोई हम बताएले नहीं, राधा का ब्याह कैसे हो गया? किशन बेटा, भाग का लेखा क्यों ना मिटा सकत, राधा तोहरे खाते बहुत रोई, वो तनी को तैयार न रही शादी के बदे, हम तो हार बहुत इंतजार कैली, पर तू वादे के मुताबिक समय पर ना आया तो हम का करे? शादी के बाद अब आई के पूछा था कि शादी कैसे हो गई? अरे हम का करे चाची, हम गांव के लिए निकले रहे, हमारे कार का दुर्घटना हो गई और हम अस्पताल पहुंचे, कई दिन तक हम कोमा में रहे, कुछ होश ही नहीं रहा कि का होता और का नहीं, और आज अब होश आता हमार तो दुनिया ही उछड़ गई। राधा के गांव में बहुत बदनामी होत रही, हमें तो सर उठाए के जी अब मुश्किल रहा, गांव वाले कैसन कैसन बात बोलत रहे, हम मजबूर रहे बेटा, ये समझ ला के शादी ब्याह जीवन मरण सब ऊपर वाले के हाथ में बा, जौन लिखल बा उहे होत बा। क्या बात है बेटा? बाबूजी राधा हमारे प्यार रहे बाबूजी, राधा का ब्याह हो गया बाबूजी, राधा का ब्याह हो गया बाबूजी। बेटा तू दोनों एक दूसरे से प्यार करत रहे और ये बात हमसे बताए नहीं, जॉन भैल ठीक ना भैल? बेटा अगर हमके मालूम हो हम इतना बड़ा अनर्थ ना हो दे, कबू ना हो दे बेटा, लेकिन लेकिन होने के क्यों टाल नहीं सकत बेटा, राधा के तो है भूले के पड़ी। हाँ बेटा, राधा के ब्याह हो गया, वो दूसरे के घर की अमानत है बेटा, बेटा तो है क्या, भूले के पड़े, भूले के पड़े बाबूजी, लेकिन हम
हम राधा के बिना जी नहीं सकेला। राधा जी बेटा तुहे तो जिए के पड़ी, तुहे तो जिए के पड़ी, हमार खातिर हमरी खातिर तुहे तो जिए के पड़ी। छुना सुहावे तोहरे बिना हमें कछु न सुहावे तोहरे बिना। सुन मितवा हर नजारा हसे हम पे ताना कसे रे तू हमके चिढ़ावे तोहरे बिना रे तू हमके चिढ़ावे। सुन मितवा ओ मितवा का जोड़ा रही गयो बट के। सुन मितवा सुना नदिया का तीर पुरवैया समीर पीर दूनी बढ़ावे तोरे बिना पीर दूनी बढ़ावे तोरे बिना। सुन मितवा सुहावे तोहरे बिना रे तू हमके चिढ़ावे तोहरे बिना। सुन मितवा ओ मितवा ओ
मालिक। हाँ बोटू, क्या बात है? किशन का हालत हमके देख नहीं चाहते, न खात हुआ न पियत हुआ, दिन रात परेशान रहता हुआ मालिक। मोटू, हम किशन के समझाए कि वो कुछ दिन के लिए शहर चला जाए। कुछ हो के मालिक, उनका दिल से राधा का ख्याल निकल जाए के चाहिए। मोटू, तू तो किशन के बचपन से जाना था, अरे तू ही ने तो उनका पाल पोस के बड़ा किया है, यही वास्ते ये जिम्मेदारी हम तुहे सौंपा था। लेकिन मालिक। मोटू, तू हमारे इतना काम कर, हम जाने थे कि तकदीर का लेखा केहू बदल नहीं सका था, लेकिन कोनो ना कोनो उपाय तो निकल ही के पड़ी ना। हम अपने किशन के खुश देखे चाहे थे, खुश। आप बिल्कुल ठीक कहा थे मालिक, हमरे बारे में हमके ये जिम्मेदारी दे के आप हमारे बहुत सम्मान के लिए मालिक। हम ये चाहते हैं किशन बाबू की जिंदगी में फिर से खुशियन का बहार आ जाए, वो फिर से पहले की तरह हो जाए मालिक। भगवान करे ऐसा हो जाए मालिक, भगवान करे ऐसा हो जाए। हे भगवान, हमरे किशन का रक्षा करा भगवान। यार ये साल नौटंकी वटंकी हुई कि ना, कुछ पता नहीं चला था? नहीं यार, कुछ मालूम नहीं। अरे ये देखा मोटू राम पूजा करा था। भगवान, ठाकुर साहब का मुंह से पहले हमार ब्याह करा दी है, नहीं तो हम जिंदगी भर मेहरारू खातिर ललियात रह जाब। भगवान, अरे भगवान, तोरे दया का हाथ हमरे ऊपर आई गई ना। हम हई कौन बे, कौन ससुर का नाते? माफी माफी सरकार, हुकुम सरकार। अरे इस साल कुछ नौटंकी वटंकी का प्रोग्राम हुई कि नहीं? अरे बिल्कुल हुई, ससुरा काहे न हुई, एकर एकर ऐसी के तैसी। अरे काती गुजरे चल जाता, अभी तक नौटंकी भईबे ना किल गाँव में, हम अहू भुला गेल रही हूँ। अब जाके हम ठाकुर साहब से कहब तो नौटंकी हुई जरूर हुई सरकार। और कोनो हुकुम सरकार? और कुछ नहीं, जो जाए जो जाए जो जाए जो। जान बचलो लाखों पाई। आ भाई मजा। खाए सैया हमारे। आवा आवा आवा, कहाँ से आवा था मोटू? अरे भैया, फिर तू नजर लगा दी हलो ना, जब से तू हमके मोटू मोटू कहता हुआ हम सूखे कांटा हो जाते हैं। सरकार का बात कि हम मंदिर से आवत रहली हूँ तो लड़का लोग नौटंकी के बात करत रहलो, पान खाए सैया हमारू गरमा रहल नौटंकिया में। ऊ है सरकार, एक दो बात कहू। किशन बाबू अपन पढ़ाई पूरी करके आ गई ला, सरकार उनका खुशी में नाच गाना और का कहल जला नौटंकी हो जाए। जरूर होई, जरूर होई, ऐसे किशन के मन भी बहल जाए और उका अच्छा भी लगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ते सरकार उका ना हो तो हम जाके नौटंकी के इंतजाम करी। जा जा इंतजाम कर जा। पान खाए सैया हमार। ससुर नौटंकी देखे के खुद के मन बा और कहत हन किशन के नाव। अरे उस्ताद, सुना है कल गांव में नौटंकी आवत है। क्या बात है, अरे क्या खबर सुना है रे? अब कल आई मजा, तने दारू सारू का इंतजाम हो जा, ठीक से दबा भाई, तने दारू सारू का इंतजाम हो जाए ना तो साला खेल का मजा कुछ और है। अरे कस के दबाओ भाई, ताकत नहीं है। नौटंकी बनाए नहीं बस रोटी खाए।
भगवान कसम नौटंकी वाली के देख के मजा आ गल रे। अरे ऐसन करजवा में तीर चलौला है, ऐसन करजवा में तीर चलौला ना कि बिल्कुल भीतर चल गल रे। अरे ऐसन लागत, अरे ऐसन लागत, अरे ऐसन लागत हनो के ठाई लई। अरे का बात है राजा? अबे का सोचे तू? अरे मैं सोचे का बात है उस्ताद, ससुरी के उठा के तोरे बहिया में डाल दे। अरे जिया मोरे राजा।
अरे एक बार ससुरी हमारे बहिया में आ जा ना तो ऐसा मजा आई और ऐसा मजा आई कि सब मजा आ जाए। तो उठा लिया है उस्ताद? उठा लिया। अरे ऐसे उठाई पे तो गांव में हल्ला मच जाए, कौन दूसरा इंतजाम करे के पड़ी। इमा सोचे के का है? अरे मोटू को बुला दे, सारा इंतजाम कर दे। अरे बक मोटू हमरे बदे का इंतजाम करी बे? करी, अरे जरूर करी। ओके ब्याह के लालच दिया ना तो जरूर करी। आए हाय कहीं मोटू मल के ब्याह कराई देल जाए। जियो मरे राजा जियो। तो चलो मोटू को बुला के लिया तू। चलो अरे बासी रोटी खाई बाकी कैसे बोलूंगा भेजा रे मोटू को यार अभी तक नहीं आवा। अरे मोटू चाचा आ गए आवा मोटू चाचा आवा। अरे अरे बस का मोटू चाचा नौटंकी देख ला? अरे तो कल देख ली ना। ए मोटू चाचा अरे बिजली गिर गई हो। आय हाय अगर बिजुरिया गिरल हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भइल होई ना। भइल ना। अरे का करजवा में यहाँ? आय हाय करजवा 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 में ले गलती। अरे बाप रे बाप तो हम ओकर उपाय बताई। हाँ बतावा। भैया हम गइल रहली हां शहर तो शहर में खूब ऊंच बिल्डिंग रहल तो बिल्डिंगिया के ऊपर लोहा का एक कूची लगल रहल। पूछला पर पता चलल कि जब ऊपर बिजली गिरेला तो नीचे फुट से जमीन के अंदर चल जाला और बिल्डिंग बल जाला। तो हम ये कहे के चाहत हई कि आपो एक बोर लोहा का कूची ऊपरा खोच लें। अब जब बिजली गिरे तो गुप्त से। अरे बस हम तो है काहे खातिर बुलावनी है यहां? काहे खातिर? और तो बिजली गिरा तो वहां और तब काहे खातिर बोले लो? हमके अपन करेजा का आग ठंडी करे के। अच्छा हमके वो बिजली चाही। हमके वो बिजली चाही चाही। हम कुल बतिया समझ गई ली। हम समझ गई ली। हम जाके उनके अब ही ने टेलीफोनवा हम कर लेकिन हमार का होई। और हाँ अरे हमरे बियाहवा का भइल तो हार बिया। हाँ चाचा हाँ तू अपने ब्याह की चिंता चिन कर। अच्छा हम कराई तो और ब्याह। अच्छा पांच छह गो बेवा देख ले। बेवा तो मतलब ये कि हमार ब्याह बेवा से? अरे कोनो बात नहीं भैया बेवा का महतरियो हमके राजी खुशी कर ले हमो से ब्याह तो हमार ब्याहवा हो जाई ना। पक्का तो हर ब्याह हो जाई तो हम बहिने जात हई फटाफट 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 टेलीफोनवा करत हई। हां ठीक तो और ब्याह पक्का होगा तब जाई ना। हां अब जाई। जा जा हाँ भाई जा बिया होगा खुशी मनावा। ससुरु बेवा से जलावे। हाँ किर 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 आवाज जात बा। हाँ नौरंगी बाई हम तो हार मोटू बोला था ही। बात ये है नौरंगी बाई के उ तोहार नाच और तोहार गाना हमरा गांव के तीन चार लइकन के बहुत पसंद आई ल तो उ लोग चाहा था कि अपना खातिर एक ठो सांच के तू आपन मुजरा कर। हम कोनो प्राइवेट शो ना करी तोहरा के अच्छी तरह मालूम है हम ऐसन वैसन लड़की नहीं। तू गाना करेलू प्राइवेट शो? हाँ। अच्छा ठीक बा मौत करो तो हम जाके बोल देते हैं उनसे। अरे बाप रे बाप अरे इतना गुस्सियात कहे हूँ भाई कहे खातिर गुस्सियात था? अरे अरे तेरी महतारी हर दमे में करंट आ जाला। कासेट बाबू साहब सेठ हमके कुछ रुपया चाहिए बदले में हम तीनों लोग अपन जमीन तोरे पास गिरवी रखे बदे तैयार। बाबू साहब हम यही खातिर तो बैठा है कि बखत बेबखत तोरे लोग के काम आई। कितनी रकम चाहिए? 10,000। बाबू साहब
इतनी बड़ी रकम का कोनो प्रयोजन बा, जैसे शादी ब्याह या और कुछ? सेठ, तू अपने काम से मतलब रख, हाँ? तू खाली आम का पेड़ मत गिना, बदले में अपन जमीन गिरवी रखत है। तो सभी ना मांगते बाबू साहब, तू तो बुरा मान गया। ये लक्ष्मी है लक्ष्मी, ये कब आई कब जाई कुछ पता नहीं। लेक्चर ना, लेक्चर मत दाम के। अबे कागज दे, इला कागज और पैसा दाम के। बाबू साहब आप नाराज ना होए, ले पेपर दस्तखत करा, हम पैसा देते हैं। अरे चाचा, ओकरे बदे तो हजारन रुपया का इंतजाम कहके धैले आई। ओकरे बदे हा। अच्छा अच्छा, ये बताओ चाचा कि का कहला का? अरे हम वहां टेलीफोन उठाई ली, घंटी बजाई ली और घंटी बाजल ट्रिन 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 ट्रिन। फिर ओकर नाजुक हाथ आई, रिसीवर पकड़ के कान तक रखलस, अपना गाल पर रखलस। तो हम कहली कि सुना बतिया सुना, दिनेश सिंह जन हूँ, हमरे गांव का सबसे हसीन आदमी हूँ। आई हो दादा, सबसे ज्यादा पैसा वाला हूँ। अरे का बात है, और का हसीन उनका मोछ बा। आई हो दादा, और उनका मुस्कराहट देखे खातिर दूर दूर से मेहरारू लोग आवेला। अरे जिया चाचा, फिर का कहले? तो वो कहले चुप है? अरे तो तू के बताओ ना हमरे बारे में। अरे हम कुल बतैरी भैया, हम कहली कि दिनेश सिंह के साथ चल जा, राज करबू, पुरानी हो जाइबू। अरे का बात है, तो के इतना मजा मिली कि तू समझ जा कि तू अमिताभ बच्चन के साथ चल गई। अरे का बात है दादा, तू शाहरुख खान के साथ गई लू, तू आमिर खान के साथ गई लू। अरे बड़ बड़ स्टार लोग होला ना, सब हमरे दिनेश के सामने पानी भरेला पानी। तू कहले चुप। पहले ही बतावा कि ऊ कब आई। अरे हम उससे बहुत कहली, हम उससे बहुत चिरौरी कहली, हाँ हाथ जुड़ली, ओकरे गोड़े के पकड़ लिया ली। का कहला? ओकरे चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। इतना देर से बैठ के यहाँ पे राम और श्याम का कहानी सुनाओ तुम। मोटू, तोहार ब्याह कबो ना होई। काहे? अबे तोरे खानदान में केहू को ब्याह भयल है? चुपचाप सवारी उठा यहाँ से। और सुन, बेवा तक का बेवा के नानी से भी तोर ब्याह ना होई। उठा यहाँ से। बेवकूफ बनाओ तुम, बैठ के कहानी सुनाओ तुम। टेलीफोन कहीं नहीं, चुपचाप सवारी आप ले जा यहाँ से। हट साला, कुल मजा खराब होगा साला। दोबारा मुंह मत दिखाइया। मोटू मल ब्याह करेंगे। में कौनो नशे नहीं आवत यार। महेश, बहुत दिन हो गए यार, कोई नया शिकार नहीं मिला। ससुर कैसा शिकार उस्ताद? अबे अबे तभी बोले ना बनो है। अबे शिकार का मतलब है जवानी। ऐसा लगा था ससुर की गांव में जवानी खत्म हो गई है। अरे उस्ताद, ऐसी बात नहीं है। गांव में खत्म हो गई, दूसरे गांव से उठा ले आओ। हाँ, अब यह करे के बड़ी ससुर बगल के गांव से उठाए के लाए के बड़ी जवानी है। लेकिन ऐसे नहीं, रमेशवा को आ जाए तो। लेकिन ये गया कहाँ रमेशवा? बहुत दिन से लौका नहीं साला। ले चलो ठीक है, अच्छा भैया चला दे हम। कहाँ उस्ताद? शिकार पे? अबे शिकार पे नहीं, रात बहुत हो गई है, घर जा रहे हैं, समझे?
तमगा था बाबू, सिगार के अलावा कुछ लौकता नहीं है। और हाँ, और रमेशवा आए तो बोल दियो कि हम बुलाए, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, हमसे आई के मिल ले। ठीक, और पियो तुम अच्छे से। महेश। अरे राधा, तुम? हाँ राधा। हम? राधा हमको माफ कर दो। राधा हमको माफ कर दो। ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। हम गीता पर हाथ रखकर कसम खावत है, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा सब कुछ कहूंगा। क्या बोले? मेरा मतलब है सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो जनाब, मैं जो भी सवाल आपसे करूं उसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये बताइए, ये आपका है? ये बैग हमार है, लेकिन भाई बाप हमने गुण नहीं किया, हमने गुण नहीं किया। खामोश रहिए, ये डिसाइड तो कोर्ट करेगा कि खून किसने किया है। तुम सिर्फ इतना बताओ, वारदात की जगह पर क्या हुआ और तुमने क्या देखा? कहा बताई भाई बाप, हम चोरी करने के लिए घर से बाहर निकला, हमने देखा दरवाजा खुला है, हमने सोचा अच्छा है मौका, किसने है रोका, हो जाए चोरी जरा दरा। हमने कहा देखा, एक औरत धीरे धीरे बाहर निकली। वाह 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 वाह, घर वाली बाहर निकली, दरवाजा खुला, यानी कि हमारी तकदीर का फाटक खुला। अच्छा है मौका, किसने है रोका, हो जाए चोरी जरा जरा, चल बेटा झुरू धंधे पर। इका शराब, शराबी वो भी पी के धुन, अब बनाता हूं नई लूटने की धुन। इका खड़ी, लगता है हमारा अच्छा टाइम शुरू हो गया। अरे इका पर्स, पर्स में माल, कल गई दाल। थैला वो भी अकेला। माल अंदर है, उंगली में अंगूठी वो भी सोने की। अरे अरे हमारा चश्मा गिर गवा, हमको कुछ दिखाई नहीं देवत। अरे हमारा चश्मा मिल गवा, मिल गवा, मिल गवा। कौन 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 कौन? क्या हुआ? अंदर था, अंदर खून हो गया। अंदर खून हो गया? हवालदार प्रदीप, गिरफ्तार करो इसे। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, हमने खून नहीं किया। वो भी मालूम मुझे, तुमने खून किया या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हमने खून नहीं किया और हमें पुलिस ने पकड़ लिया। मिलार्ड, जैसा कि इन्होंने बयान दिया है कि एक औरत घर के बाहर इनके सामने से गुजरी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में इस तरीके का कोई भी बयान उसमें लिखा नहीं है। मिलार्ड, ये आदमी कोर्ट को गुमराह कर रहा है। गुमराह? हजूर हमने गुमराह फिल्म भी नहीं देखी, हम तो कानून के दांव पेच भी नहीं जाने था माई बाप, हमने खून नहीं किया। तुम्हारा कोई वकील नहीं है? हजूर हमारे पास खाई के नहीं, हम वकील कहां से लाई, हमार वकील तो ऊपर वाला है, वही हमार मदद करी। मिलार्ड, मैं इसकी वकालत करूंगा। ये रहा मेरा वकालतनामा। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मिलार्ड, बचाव पक्ष के वकील बेवजह गरम हो रहे हैं, मैं जो इल्जाम लगा रहा हूं उन्हें मैं ये कोर्ट में साबित भी करूंगा। तो आप ये बताइए, उस आदमी के ऊपर जब आप गिरे तो वो मरा हुआ था या जिंदा था? वो हम नहीं जानत, जिंदा भी हो सकत है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पहुंचने के बाद मरा। मेरे मुवक्किल को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू मे प्रोसीड मिस्टर श्रीवास्तव। कौन किसे फंसा रहा है ये मैं अभी साबित कर दूंगा, आपसे तो बाद में बात करूंगा।
पहले मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। मिलॉर्ड, मैं अपने पहले गवाह इंस्पेक्टर पांडे को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूँ। हाँ तो इंस्पेक्टर पांडे, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन क्या घटित हुआ वो आप अपने चश्मदीद बताइए कोर्ट के सामने। सर, खून वजात मैं और मेरे सिपाही गश्त पर थे। ये हमसे टकरा गए, चेहरा फीका पड़ा हुआ था, कपड़े खून में लथपथ। फिर इसे लेकर हम मौका वारदात पर गए, ये सामान और लाश हमें वहां मिली। थैंक यू इंस्पेक्टर पांडे। मेरे अजीज दोस्त को कोई सवाल करना हो इंस्पेक्टर साहब से तो कर सकते हैं। थैंक यू माई लॉर्ड। हाँ तो इंस्पेक्टर पांडे, आपको मौका वारदात पर कोई चश्मदीद गवाह मिला? नहीं सर, मौका वारदात पर चश्मदीद गवाह कोई नहीं मिला। मिलॉर्ड, इस खून का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। जैसा कि लॉ बुक की पहली लाइन में लिखा है कि हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और इस खून के पीछे कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई। यहाँ दो बातें हैं मिलॉर्ड, चश्मदीद गवाह और वजह, जो मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करते हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। वजह यानी मोटिव। योर ऑनर, इस खून के पीछे भी एक वजह थी, और वो वजह साबित करेगा ये झोला, इसमें पैसा और सामान। योर ऑनर, दिनेश सिंह एक आजाद किस्म का आदमी था। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। वो नशे में धुत अपने घर में आया और गिर गया, दरवाजा खुला रह गया। उसका फायदा उठा करके ये अंदर गया, इसने बेरहमी से दिनेश सिंह का कत्ल किया, और ये सामान लेकर के जैसे ही भागा कि इंस्पेक्टर पांडे से टकराया, उन्होंने इसको धर दबोचा। योर ऑनर, ये खून भरे कपड़े और ये सामान चीख चीख करके पुकार रहे हैं कि इसने ही खून किया है और किसी ने खून नहीं किया है। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ऐसे मुजरिम को पेनल कोड 302 के तहत सजाए मौत देनी चाहिए। सजाए मौत। माई बाप पहले गुनाही किया है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इसी मुजरिम ने खून किया है, इसलिए यह अदालत द कोर्ट इज अडजर्न। अदालत इस केस की सुनवाई अगली तारीख को करेगी। कौन? इसमें कौन आ का हम अंदर आ सकते हैं? आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। राधा, आप हमके ना जाना थे। आज के कोर्ट केस के बारे में बात करी के चाहत हैं। हम वही केस के बारे में आपसे कुछ कही चाहत हैं। अंदर आओ। देखो राधा, अगर केस के बारे में कुछ बात करना चाहती हो तो कल कोर्ट में आकर मुझसे कहो। नहीं, हम वहां ना आ सके थे। क्यों? हमार कुछ मजबूरी बा। हम यहीं पर आपसे सारे बात का खुलासा करे के चाहिए। ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो। हुजूर, जिस हत्या का मुकदमा कोर्ट में चलत हो वो हत्या हम किए हैं, और एक नहीं तीन तीन हत्या हम किए हैं। आप चाहें तो इन तीनों की करतूत का पता पट्टी पुलिस स्टेशन से लगवाए सकत हैं। अब ई बतावत है कि ई सब हम किए कैसे। ठीक है, ये सब तुमने किया, पर ये सब मानेगा कौन? तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत? सबूत तीनों लोगों के हम मारे हैं जज साहब। एक लाश पुलिस के पास हो और दो लाश जमीन के अंदर। अब उनको खुदवाई के देख ले, सबूत खुद ही मिल जाए। तो तुम अपने आप का पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देती? हम ऐसा नहीं कर सकत। बस इतना गुजारिश हो कोई बेगुनाह को सजा ना होइए,
सुनो सुनो सुनो, हमें रोकने की कोशिश ना करे हुजूर, हम ना ही रुक सके। बस ये उम्मीद लेकर जाते हैं कल कोर्ट में इंसाफ हो, फैसला नहीं, हम चाहते हैं हुजूर। आज फैसले का दिन है, मुझे यह फैसला सुनाना चाहिए, पर कल रात इस केस की मुजरिम के कुछ ऐसी बातें सामने आई है जो केस का रुख मोड़ सकती है। मुझे यह फैसला सुनाने से पहले उन बातों पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। कल रात एक लड़की जिसका नाम राधा है, उसने इस खून की जिम्मेदारी ली है, और इतना ही नहीं, इस खून के अलावा उसने दो और खून की बातें भी की है। इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि राधा की बताई हुई जगह पर खुदाई करे, सबूत हासिल करे और इस कोर्ट में पेश करे। अब फैसला खुदाई के बाद ही होगा। साहब एक और। सर आप जरा इधर आइए। अब जबकि पुलिस की तफ्तीश खत्म हो चुकी है, लाशें भी बरामद हो चुकी है, तो यह बात साबित हो गई है कि आरोपी बेगुनाह। धन्यवाद। वो तो बस हालात का शिकार था, इसलिए यह अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ असली मुलजिमा राधा पर मुकदमा चलाने का हुक्म। किशन किशन राधा राधा राधा, तू कहां खो गए रेलू? देखा देखा तोरे किशन का कहा हाल बोल तोरे बगैर। किशन अपने आप को संभालो। किशन कैसे संभाली राधा, तू हमारी जिंदगी में नहीं हो, कैसे संभाली तोरे बिना राधा जी का कोनो मतलब ही नहीं हो। मतलब मतलब तो बनावे से बना था ना किशन, अब हम कबूल के तू एक नया जिंदगी शुरू करा। नहीं जिंदगी ही नहीं हो सका, राधा के बिना किशन अधूरा है। अरे तोरे बिना तो जे का ख्याल हम सोचे नहीं सके राधा, अरे हम तो राधा दरवाजे पे कुंडी लगा लो, तू अंदर कैसे आई? हम अब दरवाजा दीवार रिश्ता नाता सब दुनिया से परे छोड़ दिए ले, ये तो तोहर प्रेम है कि तू हमका देख सकत हो। का मतलब? मतलब ई कि हम ये जालिम दुनिया छोड़ चुके हैं। दिनेश और उनके साथी हमरे इज्जत पर डाका डाले लगे। अरे ये तो मर गई। अरे दिनेश दिनेश राधा मर गई। हाँ राधा मर गई। कहाँ? अरे राधा मर गई, ये कैसे हो गई? अयो दादा, और तब अबे बिहाने ले तो पूरे गांव के पता चल जाई। अयो दादा, ये गांव वाले छोड़िए ना, अबे पूरे गांव के खबर रहे कि हम राधा के पीछे पड़ रह लिए। ये किसनवा मारना ही हमन के, और पुलिस सारा बंद कर दे जेल में। अब का कल जाए, अब का कल जाए भाई,
एक ही रास्ता बा उस्ताद। क्या रास्ता भाई? ओके दफन कर दिया जाए। हाँ ये ठीक रही, तू जा जाके गड्ढा उठा खोद, दफन कर जाए के इसे इसे हमन के मुसीबत से छुटकारा मिली। इज्जत लूट के जल्दी कर रहे हमका मार के जमीन में दफनाए दिए। हम वो तीनों दरिंदन के मार के अपना बदला ले ली। अब इस जन्म में हमार मिलन ना हो सकत है किशन। नहीं, ये नहीं हो सकला, ये नहीं हो सकला राधा। तो अपने किशन के छोड़ के नहीं जा सकोगे राधा? अरे हम लोगों का मिलन तो अधूरा हो राधा। एकर वास्ते तोरा के तोहार दे रिश्ता नाता सब छोड़ाई के पड़ी। हम सब छोड़े तैयार है राधा, हम तोरे लिए सब कुछ छोड़ दे। ई राधा किशन के मिले बहुत जरूरी है। ई जन्म में किशन का राधा से मिलन हुई राधा हुई। राधा 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 कहां जाते हो? राधा सुना राधा हमार राधा राधा तू हम छोड़ के नहीं जा सकल। राधा हम हमारी बात सुना राधा। राधा तू हम अपने किशन के छोड़ के नहीं जा सकल राधा। राधा हम तो से कुछ कहती सुना राधा। हम छोड़ के मत जा राधा। राधा हम छोड़ के मत जा राधा। राधा हम तो बिना जिंदा नहीं रह सकीला राधा। राधा हम छोड़ा मत राधा। राधा ए राधा। हाँ? आज तू बहुत सुंदर लगा था, एकदम स्वर्ग की अप्सरा। कोई देख ले तो? ए, सुना ना यारावा। छोड़ा ना। धत पगली, भुला गए लुका, अब हम लोगन के केहू नहीं देख सकला। अब हम लोग अमर है, ये जालिम दुनिया से बहुत परे चल गए। अब हम लोगन का प्रेम अमर प्रेम बन गया। अमर प्रेम एक प्यास बटो ही या की प्यास बुझाई दे। एक प्यास बटो ही या की प्यास बुझाई दे।